यू? जवेरिया. जवेरिया, नाइस नेम, इंटरेस्टिंग. व्हाट्स इट्स मीनिंग? अ गर्ल हू स्प्रेड्स हैप्पीनेस. ओ माय गॉड, दैट्स नाइस. आधा घंटा नीचे उतरने में आधा घंटा ही लगेगा हमें? पौना घंटा लगा हमारा नीचे उतरने को, आपको लगेगा शायद 2 घंटे. हमें 2 घंटा? ओके. सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल. और आज है डे 2 यहाँ पर हमारा तीर्थन वैली में, और आज का प्लान है झलौरी पास जाने का. तो अभी बस सो के उठे हैं, थोड़ा थक गए थे रात को भी, क्योंकि आपको पता ही है पूरी रात ड्राइव करी थी परसों रात में, और कल भी दिन में ठीक से सोया नहीं था, तो रात में जल्दी सो गए थे. अब थोड़ा लेट उठे हैं, नाश्ता वाश्ता किया नहीं है, नाश्ता करने वाले हैं. नाश्ते के लिए हमने डिसाइड करा यहाँ पर नाश्ता करेंगे आज हम ये ओपन में और रिवर साइड. ये पूरा आप देख रहे हैं, पूरा रिवर. अभी तो थोड़ा फ्लो कम है, लास्ट टाइम जो हम आए थे फ्लो बहुत अच्छा था इसके अंदर. मतलब ये लगा लीजिए रॉक, ये इतने बड़े बड़े रॉक्स हैं, ये सब जो है डूबे हुए थे. तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आएंगे जब हमको अच्छा फ्लो मिलेगा यहाँ पर, वो फॉर द बेस्ट. तो कुल मिला के फिलहाल अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद तैयार व्यार होके निकलते हैं. तैयार तो खैर क्या, अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, नहाऊंगा, उसके बाद निकलेंगे हम सीधा झलौरी पास के लिए. रास्ते में मिलते हैं, ठीक है? चलिए, प्रियंका भी आ गई है. आज प्रियंका का बर्थडे है, तो कमेंट में प्रियंका को बर्थडे विश जरूर करिएगा, उसे अच्छा लगेगा. और मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद. तो दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं झलौरी पास के लिए. नाश्ता वास्ता कर लिया है, और अब देखते हैं कितने बजे वहाँ पहुँचते हैं. फिलहाल 11:30 हो रहे हैं, कितने बजे पहुँचते हैं और कितने बजे लौटते हैं. फिलहाल प्रियंका जो है वो ये रोप वे पर है और क्रॉस कर रही है, और बीच में इनका रोप वे फंस गया और ये लटक गई है बीच में. नीचे देखिए पानी पानी है पूरा. हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, मेरे ख्याल से हम लगभग 1 घंटा लेट हैं. तो देखते हैं कितना ट्रैक हो पाता है, क्योंकि मेरे को ये भी है कि रात को, मतलब शाम को अंधेरा होने से पहले पहले नीचे उतरना है, क्योंकि उसका जो रास्ता है, इनफैक्ट मतलब जो 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 पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पर आने के बाद भी हमको रिजॉर्ट तक का जो रास्ता है, जो रोड है, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. मतलब इनफैक्ट है तो वो स्मूथ, बट बहुत ज़्यादा यू नो स्टीप है. तो थोड़ा सा ड्राइव का भी मेरे को यही है कि जल्दी आ जाएंगे तो थोड़ा सा सेफली हम आ जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा. और ये प्रियंका की रोप वे चल पड़ी है, ये देखिए हमारी गाड़ी वहाँ सामने खड़ी हुई है और प्रियंका वो जा रही है. चलिए आपसे फिर रास्ते में मिलते हैं. हे गाइस, तो हमने अभी रिवर क्रॉस कर ली है अपने रिजॉर्ट से, और बस अब हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद निकलते हैं जलौरी पास के ट्रैक के लिए. हम थोड़ा लेट हो ही गए, मतलब ये कि अपना हमने बहुत फास्ट फास्ट वाला अपना स्केड्यूल रखा नहीं था, हमें हमारा ये था कि हम एकदम रिलैक्स करके ही चलेंगे. तो बस अब चलते हैं, जितना हमें यहाँ के लोगों ने बताया है कि ज़्यादा टाइम लगना तो नहीं चाहिए, 2.5-3 घंटे में ट्रैक कम्प्लीट हो जाना चाहिए, तो बस उसी हिसाब से निकल रहे हैं. सो दोस्तों, हम जलौरी पास के रास्ते पर हैं, और क्या ही एडवेंचरस रास्ता है ये, इतनी ऑफ रोडिंग है और इतनी ज्यादा स्टीप चढ़ाई है कि कई जगह हमें लगा कि हम प्राउड फील कर रहे थे अपनी गाड़ी पे. और दिखाते हैं आपको भी रास्ता, ये देखिए ब्लाइंड टर्न्स एकदम, कहीं से भी कोई भी गाड़ी आ रही है. हाँ, और कहीं से भी आ रही है गाड़ियां. कितनी बार तो हमें मतलब चढ़ाई पे ही अपनी गाड़ी को मतलब ब्रेक, और 45 डिग्री पे गाड़ी ऐसे है और उसके बाद गाड़ी रोकनी पड़ी है, फिर उस पर गाड़ी चढ़ाई है. हेलो गाइस, तो हमने कर ली है अपनी गाड़ी पार्क और हम हैं जलौरी पास के ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे. तो बस यहाँ से करते हैं अब अपना ट्रैक शुरू. और टाइम कितना हो रहा है? एक बज के 22 मिनट. तो बस हम अब एक बार इस पे अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं हम ऊपर कितने बजे तक पहुँचते हैं. तो बस शुरू करते हैं अपना ट्रैक, लेकर प्रभु का नाम. ट्रैक
ट्रैक शुरू हो गया है, हालत अभी से थोड़ी सी ख़राब है। चढ़ाई ठीक है, ज़्यादा स्टीप नहीं है, ठीक ठाक है। आगे प्रियंका चल रही है और ये देखिए इस तरीके का भी आपने वहाँ भी देखा होगा जब हम मसूरी वाले ट्रैक पे गए थे। इस ट्रैक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आपको तो खैर देखा ही होगा आपने वीडियो में। तो बस ये ट्रैक कर रहे हैं, देखते हैं और कितनी देर में ऊपर पहुँचते हैं। रास्ते में आपसे मिलते रहेंगे। हमने करीब अभी 1.5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और अभी भी आई थिंक एटलीस्ट 1 किलोमीटर तो होगा ही होगा, तो 2 किलोमीटर। सो लेट्स सी, अभी हमारी ऑलमोस्ट 50% बैटरी डाउन है। आगे तक पहुंचते तक हमारे अंदर बैटरी बचती है नहीं बचती है। सो गाइज, हम जलौरी पास के 360 डिग्री पॉइंट पे पहुंच गए हैं। आपको व्यू दिख रहा होगा मेरे पीछे, क्या ऑसम व्यू है। यहाँ भी थोड़े स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी दिख रहे थे, थोड़ा व्यू आ रहा था। वो ऑपोजिट साइड है तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। गाइज, हम पहुंचे जलौरी पास के 360 डिग्री व्यू पे। अभी हमें कुछ लोग मिले जो कि ट्रैक कर रहे थे, ऑलरेडी 360 डिग्री व्यू पे पहुंचे हैं ये लोग, इनसे बात कर। हाय हाय, सो आप लोग कहाँ से हो? दिल्ली। ओह, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। और आप लोग आज ही आए हो? नहीं, हम कल आए थे। अच्छा, कहाँ पे स्टे कर रहे हो? रिवर वॉक। अच्छा, तीर्थन वैली में ही हो? ओके ओके, तो आप लोग पूरे ग्रुप के साथ आए हो? Yeah, like few of our friends, like we are like 5 to 6 people. Okay, great. कब से मतलब ट्रैक कितने बजे स्टार्ट किया था? One. How was the track? Another friend. Oh, they are their friends. What's your name? Srishti. Srishti. Hi, Srishti. Hi. And you? Javeria. Javeria. Nice name. Interesting. What's its meaning? A girl who spreads happiness. Oh my god, that's nice. And you? Manokamna. Manokamna, my goodness. Nice names. I'm Priyanka. Okay. So, अभी हम भी लेक की तरफ ही जा रहे हैं। आप लोग तो थोड़ी देर में अभी रेस्ट कर रहे हो ना? हाँ, अभी हम फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं ऊपर कैफे से। ओके, हम जाएंगे। ओके, सो गाइज स्टार्ट करते हैं अपना लेक का ट्रैक। हमने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया है। इट वॉज नाइस मीटिंग सम ऑफ देम फ्रॉम दिल्ली। So guys, we have a channel, Couple Express Vlogs. You can just subscribe if you want to. Okay, nice meeting you. Bye. Lake 2.5 kilometers है? बिल्कुल बिल्कुल। और रास्ता ऐसा ही है? बिल्कुल बढ़िया साफ। ओके नमस्ते। कितना आगे है? 2.5 किलोमीटर। थक गए पूरे? नहीं। कितना टाइम लगा? आधा घंटा। आधा घंटा? नीचे उतरने में आधा घंटा ही लगेगा हमें? पौना घंटा लगा हमारा नीचे उतरने को, आपको लगेगा शायद 2 घंटे। हमें 2 घंटा? ओके। तो गाइज हमें डरा दिया है, बोल रहे हैं 2 घंटे। नहीं करेंगे, मतलब उनको आदत है, हमको आदत नहीं है। दैट्स व्हाई फिर से नहीं आदत है ना। चलिए ठीक है, हम बाहर के हैं ना, आपके हिसाब से बोला मैंने। नहीं ठीक है, आपने बिल्कुल सही। हमारा 1.5 घंटा लगा ना, तो आपका उससे दुगना लगेगा। ठीक है। हे गाइस, हमें अभी रास्ते में कुछ मिला है। हमें मिले हैं बहुत सारे शीप, दिखाते हैं आपको। टक्कर मार देते हैं क्या? देखो है कोई छोटा सा शीप भी, क्या हमला करते हैं? ये टक्कर मार देंगे। अच्छा, फिर क्या करें? अब रास्ते में खड़े तो हम रुक जाएं? चलो चलो। दिस वन इज वेरी प्रिटी। सेंटा क्लॉज। ओह वाओ,
गाइस ये वाली तो सबसे प्रिटी है। तो गाइज हमें अभी एक बोर्ड दिखा है, बोर्ड ऑफ होप कि 3 किलोमीटर था टोटल लेक, 360 डिग्री से हमने 1 किलोमीटर कवर कर लिया है। ये देखिए, दिस सेज लेक इज 2 किलोमीटर। हेलो फ्रेंड्स, देखो हमें कितना फ्रेंडली डॉगी मिला है माउंटेन्स का। कुछ नहीं कर रहा, खेल रहा वो। कैसा चल रहा है ट्रैक तुम्हारा? जब तक नीचे उतर रहे थे हाँ। स्लोप से हाँ। मजा आ रहा था हाँ। अब चढ़ रहे हैं अब हालत खराब हो रही है दोस्तों, चल चल के हालत खराब हो गई है। अभी भी लगभग मान के चलो 1 किलोमीटर के आसपास तो बच गया है, एक से ज्यादा ही होगा हाँ। लेकिन बीच बीच में जब अच्छे अच्छे व्यूज मिलते हैं थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। ट्रैक बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सांस ऊपर नीचे हो गई है और हमने बस एक स्टॉप लिया है। ये देखिए मेरे पीछे भी नहीं, हमने एक स्टॉप लिया है। देखिए यहाँ से कितना दूर है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आधा किलोमीटर होगा। अच्छा बस 200 मीटर्स है, ओके 200 मीटर्स। सो गाइज हम बहुत ज्यादा थक गए थे ट्रैक कर करके। अब भैया बोल रहे हैं हमने मैगी के लिए एक स्टॉप लिया है, तो जहाँ पे हम मैगी के लिए रुके हैं उन्हीं से हमने पूछा कितना दूर है और लेक, तो वो बोल रहे हैं सिर्फ 200 मीटर्स है। तो अब बस थोड़ी सी मैगी वगैरह खाते हैं, थोड़ी एनर्जी आ जाए, थोड़ा सा एनर्जी आएगी तो हम लेक को इंजॉय करने के लिए मतलब इंजॉय कर पाएंगे। बिल्कुल धूप नहीं है, बहुत बढ़िया वेदर है ट्रैक के लिए। मतलब कल जिस हिसाब से हमारे रिजॉर्ट में था तो हमें लगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, इतना ठंडा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है, बहुत अच्छा वेदर है। सो या अब बस मैगी का वेट कर रहे हैं, मैगी खाते हैं और फिर लेकर के चलते हैं आपको लेक पे।